चलिए तो रुक करते हैं इंटरनेशनल खबर का, जहां साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वीं ब्रिक्स समिट हुई। ब्रिक्स देशों के नेता लाबरोब सेडेंट कॉन्वेंशन सेंटर में हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचवाते नजर आए। इस दौरान एक घटना ने हर किसी का ध्यान खींचा। ग्रुप फोटो सेशन के दौरान हर लीडर के खड़े होने की जगह तय की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट के साथ मंच पर पहुंचे तो उन्हें तिरंगा जमीन पर दिखा। प्रधानमंत्री ने फौरन राष्ट्रीय ध्वज को उठाया और सलीके से जैकेट की जेब में रख लिया। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट ने भी अपने देश का फ्लैग उठाया, लेकिन ये स्टाफ को सौंप दिया। इस अवसर पर मोदी ने तिरंगा देने की एक गुजारिश एक अफसर ने की, लेकिन उन्होंने नम्रता से इनकार कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि अफ्रीकी यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार किया जाए, इसमें और देशों को शामिल किया जाए। ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में बिग कैट अलायंस बनाने की ज़रूरत है। इस बात की खुशी है कि ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में अहमियत दी जा रही है। इसका श्रेय साउथ अफ्रीका को है। G20 में भी हम ग्लोबल साउथ को अहमियत देना चाहते हैं। 2016 में हमने सभी को साथ लेकर चलने का सुझाव दिया था। हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर सार्थक योगदान देते रहेंगे। दस हजार अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है, इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। जोहान्सबर्ग जैसे खूबसूरत शहर में एक बार फिर आना मेरे और मेरे डेलीगेशन के लिए अत्यंत खुशी का विषय है। इस शहर का भारत के लोगों और भारत के इतिहास से पुराना गहरा संबंध है। यहाँ से कुछ दूर ही टॉल्स्टॉय फार्म है, जिसका निर्माण महात्मा गांधी ने 110 वर्ष पहले किया था। भारत यूरेशिया और अफ्रीका के महान विचारों को जोड़कर महात्मा गांधी ने हमारी एकता और आपसी सौहार्द की मजबूत नींव रखी थी। एक्सलेंसीज, पिछले लगभग दो दशकों में ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यूथ समिट, ब्रिक्स गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल,
जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत कर रहे हैं।